फॉर आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के व्लॉग में क्या होगा, जो हमने अपनी थर्ड सुपर बाइक ली है उसकी हम डिलीवरी दिखाएंगे, जो कि सिलीगुड़ी में हुई है, बट इसका इंट्रो जम्मू में शूट हुआ है। सो अमेजिंग कि बाइक एक जगह ली है, इंट्रो दूसरी जगह शूट हो रहा है और चलाएंगे तीसरी जगह। तो वी आर प्लानिंग अ फॉरेन ट्रिप वेरी सून ऑन दैट सुपर स्पोर्ट एज वेल एज V4S एज वेल एज R1। स्टे ट्यून्ड। तीनों जगह, तीनों जो बाइक्स हैं वो एक फॉरेन कंट्री जाएंगी, वहाँ पे व्लॉग बनेगा। एंड गाइज इमेजिन करो व्लॉग कितना अच्छा बनेगा। तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फैला दो, आग लगा दो, चैनल को जल्दी से 10K ले जाओ भाई, बहुत बहुत वेट हो रहा है इस चीज़ का। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। एंड आप लोगों का प्यार आता रहा, बढ़ता रहा, तो अगले साल H2 आएगी, अगले साल BMW 1250 आएगी, और एक इलेक्ट्रिक बाइक का प्लान है। वो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको पता है क्या प्लान है, जो नहीं करते, ऑफिशियल बैन अल्फा नाम से है, यहाँ पे आ रहा होगा और उसको जाके फॉलो करो। यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट्स वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग और क्या क्या प्लान कर रखा है। एक इलेक्ट्रिक बाइक पक्का आने वाली है और बेस्ट बाइक आने वाली है इंडिया की। स्टे ट्यून्ड। जिस चीज़ का हम इतने दिन से इंतज़ार करते वो आज आ गई है, नीचे खड़ी है, बस जा रहे हैं उसको देखने के लिए। एंड वेरी एक्साइटेड फॉर द सर थ्रू पर बाइक, एंड बहुत मज़ा आ रहा है, कांट कंट्रोल द एक्साइटमेंट। लेट्स सी, अंदर आ गई है। गाड़ी आ गया है, नंबर थर्ड सुपर बाइक इन द गैराज, लेट्स होप फॉर अमेजिंग राइड। एंड व्हाई आई चूज दिस बाइक, हम आराम से एक ब्लॉग बनाएंगे उसमें बताएंगे, अभी के लिए हमें वापस भागना बहुत लेट हो रहा है। सो गाइस एंजॉय द सिनेमैटिक्स, गाड़ी ट्रेलर से उतर गई है, सब कुछ है, बहुत ही अमेजिंग है, देखो क्या सेक्सी लग रही है। अब बाकी चीज़ें बाद में देख के बताते हैं। What's up guys, this is Varian Ban Alpha, और आज आप देख रहे हो Ban Alpha Vlogs। तो ये जो बाइक है ये है Ducati की सुपर स्पोर्ट, जिसका प्राइस वैसे तो 15 लाख कुछ है, बट हमें अच्छे रेट में मिल गई। ये एक्चुअली में दो वेरियंट्स में आती है, एक इसका सुपर स्पोर्ट 950S है और एक 950 है, एक रेड कलर, वाइट कलर। और ये वाली जो स्पेसिफिक बाइक है इसमें एरो के फुल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, सॉरी करेक्शन, एक्रा के फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, और ये बहुत अमेजिंग है। आगे से आप इसके LEDs, DRLs, ब्रेम्बो की बाइक सब देख सकते हो। ये सिंगल सीटर नहीं है वैसे, इसमें पीछे काउल लगा है, पीछे से काउल निकल भी जाता है। इसका जो ड्राइव वेट है इट इज़ अराउंड 210 kgs एंड इट प्रोड्यूसेस अ वूपिंग हॉर्स पावर ऑफ 108 bhp। मेरी दूसरी डुकाटी और R1 से तो बहुत कम है, बट इट इज़ अ सुपर स्पोर्ट। और पीछे हमारे साथ सौरभ खड़ा है, सौरभ बाइक के साथ अभी हम सिलीगुड़ी जा रहे हैं देसी ब्लॉगर के मीटअप पे, और वहाँ पे जाके हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा रास्ता है, आगे जाके इस रास्ते पे कॉर्नेशन ब्रिज आता है, जो टाइगर ब्रिज भी बोलते हैं, जिसको जो सिक्किम और गैंगटॉक और कैलिंगपोंग वाले रास्ते को कवर करता है। थोड़ी सी कंफर्टेबल बाइक है एज़ कम्पेयर टू माई अदर सुपर बाइक, बिकॉज थोड़ा कम्फर्ट इसमें ज़्यादा है, एज इट इज़ स्पोर्ट्स टूरर बाइक है। तो उस कंपैरिजन में अगर देखें तो जो मिड सेगमेंट में इसका गियर रेशो आता है वो बाकी कंपैटिबली सुपर बाइक से ज़्यादा अच्छा आता है। भाई यहाँ पे ओवरटेक का बहुत इशू है, लोग आपकी लेन में आके ओवरटेक करते हैं। ये देखो, ये सामने से देखो, ये तो इधर ही हमारे अंदर ही घुस जाएगा। पीछे दो राइडर्स और हैं भाई, सौरभ के दोस्त हैं, हम
में उन्होंने मिडवे से कैचअप किया है और अब हम अनवील लोकेशन पे जा रहे हैं, उसके बाद मीटअप लोकेशन पे जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:50। तो अभी सौरभ हमारे साथ है, आगे आईडी मिलेगा, आईडी के घर जाएंगे और उसके बाद जाके हम देसी ब्लॉगर के मीटअप पे जाएंगे। इज अ ब्लॉगर हु इज डूइंग अ सेटअप, उसने इंद्रा मैदान में टाइम दे रखा है और अभी हम वहीं जा रहे हैं ब्लॉगिंग करने। मिड सेगमेंट में इसका जो गियर रेशियो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा आता है बाकी बाइक से, और कैमरा एंगल मुझे लग रहा थोड़ा सा नीचे हो गया, बट ये सौरभ गया आगे और अब देखते हैं आगे का ब्लॉग कैसा रहता है। जहाँ से राइड स्टार्ट हो गया, हाँ चल वहीं से चल, छोटी सी राइड है कुडला बाड़ी तक एंड वहाँ से हम अपने जगह पे वापस चले जाएंगे। पहुंचा ही नहीं है, इसके बाद हम ओरिजिनल मीटअप लोकेशन पे जाएंगे। उसके बाद हाय ब्रो हाउ आर यू, हाय सर हाउ आर यू सर, it was a prelude to what is about to happen and yeah, Siliguri ka public, let's see how things go. Draco apne saath hai, so guys abhi hum nikal gaye hain par hum to unveil location pe bhi ja rahe the, uska abhi kya hai abhi clear nahi hai ki pehle hum unveiling ke liye ja rahe hain nahi ja rahe hain या डायरेक्ट मीटअप लोकेशन पे जा रहे हैं, वहीं जाके पता चलेगा। यहाँ की ये थोड़ी सी भीड़ है जो आ रखी है और उसके आगे मीटअप लोकेशन पे विल बी द
एक्चुअल शेनानिगंस। यहाँ पे लोग स्कूटीज में भी थे, एंजॉय डूइंग देयर मोटर व्लॉगिंग। दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक। स्पेशल थैंक्स टू देसी ब्लॉगर कि भाई ने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया सो दैट वी कैन आल्सो कम एंड मीट अप। एंड देखते हैं भाई आज का ब्लॉग कैसा रहता, आज का क्राउड कैसा रहता, आज का सीन कैसा रहता। और इससे मुझे मेरे आर्यन बाइकर की याद आ रही है, भाई के पास भी सेम R15 है, सेम टैकल्स। पहले हम वहाँ जा रहे हैं, सौरभ को पूछ, पहले अनवील करने जा रहे हैं, मीटअप लोकेशन पे जा रहे हैं, अनवील नहीं कर रहे। तो गाइस लिटिल चेंज ऑफ प्लान, वी गोइंग टू द मीटअप लोकेशन डायरेक्टली। एंड मेरे ख्याल से अनवील हो गई है, यही है अनवील गाइस, यही है अपनी डुकाटी सुपर स्पोर्ट एस विच वी हैव गॉट। एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज अनवीलिंग बिकॉज हमने बहुत कुछ प्लान किया था बट मटेरियलाइज नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। बिकॉज आई थिंक अपना देसी ब्लॉगर भाई आगे स्कूटी पे ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड भाई का ही मीटअप है तो हम उसको वो नहीं करना चाहते, अपनी बाइक ले जाके उसे भंग नहीं करना चाहते।